नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करके देखने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों में निफ्टी की जो चाल है बहुत ही अच्छी ऊपर की तरफ आई थी। तीन दिनों के अप ट्रेंड के बाद आज निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस नजर आई है। तो ये जो गिरावट है कितने दिनों तक चल सकती है, या फिर ये जो आज की गिरावट थी सिर्फ एक दिन की थी, ये चीज़ हम एनालिसिस करेंगे। इसके लिए मैं आज आपको निफ्टी के पीई के साथ क्या रिलेशन आता है उसके बारे में भी बताऊंगा, और साथ ही साथ हम इसका एक टेक्निकल एनालिसिस करके भी देखेंगे, जहां से हमको निफ्टी के ऐसे लेवल्स पता चलेंगे जहां पे निफ्टी अपना सपोर्ट ले सकता है या फिर जहां पे जाकर के रेजिस्टेंस ले सकता है। करंटली निफ्टी अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है या नहीं, उसकी जानकारी भी हमको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले निफ्टी का पीई वैल्यू देखेंगे। तो अभी ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये आपके सामने निफ्टी का पी रेशियो और निफ्टी की जो करंट चाल है उसका कंपैरिजन है। इसमें जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है वो निफ्टी के पी रेशियो को दर्शाती है, और जो ब्लैक लाइन है वो निफ्टी की जो करंट वैल्यू है उसको दर्शाती है, यानी निफ्टी 50 की जो करंट वैल्यू है उसको दर्शाती है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे या ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी पीई का रेशो जब भी 26.5 के आसपास आता है, वहां के बाद से गिरावट हर बार निफ्टी में आई है। आप देखेंगे वही चीज यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व करने मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी इस ड्यूरेशन में। हालांकि निफ्टी जो है वन साइडेड बहुत ही जल्दी से ऊपर की तरफ गया था, और ये बहुत ही क्रूशियल जोन था जहां से गिरावट आनी बहुत ही ज्यादा मुमकिन हो चुकी थी। उसके बाद आप यहाँ पे भी देखेंगे निफ्टी ने जैसे ही ये लेवल के ऊपर गया था वहां से एक गिरावट जरूर आई थी, और अभी निफ्टी ऑल ऑफ सडन 2 या 3 दिन में ही उतने ऊपर के लेवल आ चुका है। आप देखेंगे तो ये 23 तारीख की वैल्यू है, जहाँ पे निफ्टी की पीई का जो रेशियो था वो लगभग 25 के आसपास था, और ऑल ऑफ सडन ये जो रेशियो है वो बढ़ के वो लगभग 27.5 के आसपास हो चुका है, यानी 27.23 वैल्यू के आसपास आ चुका है। तो अगर हम आज की वैल्यू देखें, आज मार्केट भले ही गिरा हो, निफ्टी भले ही गिरा हो, लेकिन उसके बाद भी निफ्टी का जो पीई रेशियो वो करंटली कहाँ पे पहुँचा है हम वो देखेंगे। उससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में निफ्टी कहाँ तक के लेवल दिखा सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको NSE की वेबसाइट पे आया हूँ, यहाँ पे डेली के डेली वो डेटा हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट के साथ साथ मैंने पी रेशियो को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 29th यानी कि आज की तारीख में आज मार्केट जरूर गिरा है, लेकिन उसके बाद भी इसका जो पी रेशियो है वो अभी भी 27 के ऊपर ही बना हुआ है। जब तक ये रेशियो आपको नीचे के लेवल में नहीं आता दिखता, तब तक मार्केट में गिरावट बने रहने की संभावना हमेशा रहती है। अब अगर हम इसको वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करें कि कौन से क्रिटिकल लेवल्स ऐसे रहते हैं जहां पे निफ्टी में कोई भी बाय पोजीशन बनाना हमेशा आपके लिए थोड़ा रिस्की बेट बन जाता है, तो उसके लिए मैं यहां पे आपको निफ्टी पी रेशियो को बताऊंगा कि कौन से वैल्यूज ऐसे रहती हैं या रेंज रहती हैं। यहाँ पे आपके सामने एक टेबल आया है जिसमें आप देख सकते हैं वैल्यूएशन, निफ्टी पीई रेशियो, रेंज, और उसके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट का क्या डिसीजन होना चाहिए उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं, जब कभी निफ्टी पीई रेशियो जो है 25 से 30 के आसपास रहता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बोला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर इवेंट है जब 30 के आसपास या 28 के आसपास जाता है, वहाँ पे आपको पक्का ही शॉर्ट करना चाहिए। वहाँ पे कोई भी नई पोजीशन बनाने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। जब कभी निफ्टी पीई रेशियो का वैल्यू 20 से 25 के आसपास रहता है वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए। जब कभी 15 से 20 या 12 से 15 के आसपास आपको ऐसे लेवल्स मिलते हैं, उस समय में आपको बहुत ही अच्छे से बाय कर सकते हैं, वो एक तरीके से बहुत ही अच्छा समय रहता है। और अगर कभी भी आपको निफ्टी पीई का रेशो 12 के नीचे का दिख जाता है तो आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर आप सारी की सारी एफडी ब्रेक करके भी मार्केट में पैसा लगा देंगे तो आपको लगभग 2 से 3 गुना तक का रिटर्न भी आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों, आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में ये समझाने की कोशिश की है कि निफ्टी पीई और निफ्टी पीबी इसका क्या रिलेशनशिप है निफ्टी की चाल के साथ या स्टॉक मार्केट के साथ, किस लेवल पे आने के बाद निफ्टी का जो पीई है या फिर निफ्टी का जो पीबी है वहां से आपको मार्केट से थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए या फिर आपको शॉर्ट पोजीशंस बना लेनी चाहिए। तो वो चीज़ें मैंने इस अपने वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है। इस वीडियो का जो लिंक है, आपके वीडियो में जो टॉप राइट कॉर्नर में एक आई का सिंबल आ रहा होगा इस वक्त, वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस वीडियो पे जा सकते हैं। किसी भी समय उस वीडियो पे जाने के लिए आप उस आई के सिंबल पे क्लिक कर सकते हैं,
और इस वीडियो का जो लिंक है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया, वो आप वहाँ पे भी क्लिक करके इस वीडियो को बाद में देख सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूंगा, मेरा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जिसमें मैं डेली मॉर्निंग में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज रहती है वो अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के मुझे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मुझे वीडियो में कमेंट करके भी चैनल का लिंक मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का, जो कि हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से करेंगे। इसमें एक कैंडल जो करेंटली आपको दिखाई दे रही है वो 15 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। आपने नोटिस किया होगा कि कल जो था निफ्टी एक गैप अप के साथ ओपन हुआ था और दिन भर इसने अपने डाउन साइड के लेवल्स नहीं दिखाए थे, लेकिन अगर आप वही चीज आज के दिन में देखेंगे तो निफ्टी जो था आज थोड़ा नॉर्मल या न्यूट्रल ओपन हुआ था, थोड़ी देर के लिए ऊपर गया था अपने प्रीवियस यानी कि कल के जो हाईज थे उसके ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद वहां से एक हैवी सेलिंग नजर आई और इस जो निफ्टी था वो अपने कल के लोज को भी ब्रेक करके आज उसने अपने लगभग डे के लो के आसपास ही क्लोजिंग दी। बस आप इसमें एक जो पॉजिटिव चीज ध्यान दे सकते हैं या सोच सकते हैं वो यही है, वो ये है कि 25 के दिन का जो हाई था इस निफ्टी ने अभी भी उसको ब्रेक करके नीचे के साइड की क्लोजिंग नहीं दी। करंटली निफ्टी जो है उसके ऊपर के साइड में ही क्लोज हुआ है, तो सिर्फ यही एक छोटी सी पॉजिटिव चीज आप निफ्टी में देख सकते हैं। हम बाकी की चीजें भी इस चार्ट में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उससे पहले मैं आपको 1 आवर के चार्ट के हिसाब से समझाता हूँ, यानी कि अभी जो इसमें एक कैंडल है वो 1 डे को रिप्रेजेंट करती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस महीने का जो इससे पहले एक लेवल था जहाँ पे आने के बाद निफ्टी ने एक तरीके से बाउंस लिया था, वो लेवल लगभग 612 का था, और अगर आज आप देखेंगे तो निफ्टी ने जो लो बनाया था वो भी लगभग उसी के आसपास बनाया था, यानी कि 12 या 20 के आसपास का ही लो बना करके 616 का आज का लो बना करके निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस जरूर आया था। तो ये एक तरीके से हम थोड़ा पॉजिटिव मान सकते हैं कि जो इसका एक आवरली चार्ट के हिसाब से जो इसके लेवल्स निकल के आते हैं। अब अगर मैं इसको आपको और थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखाना चाहूँ तो यानी कि इसमें जो एक कैंडल है मैं उसको चेंज करके 1 डे के ऊपर लेके आऊंगा, तो अभी इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पिछले साल जो रैली शुरुआत हुई थी यानी कि फरवरी के महीने से वो 1-साइडेड रैली गई थी, उसमें कोई भी बड़ी गिरावट नहीं देखी गई थी। लेकिन एक तरीके से जब जुलाई के महीने में इसमें एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा गया था जहाँ पे आप देखेंगे अगस्त के महीने में जाकर के एक छोटी सी गिरावट है निफ्टी में जरूर आई, वहां से बाउंस आया था और फिर से जो अगली गिरावट आई थी वो अगले महीने में यानी सितंबर के मंथ में वो भी इसी लेवल्स पे आकर के टिकी थी, यानी कि ये इसके लिए एक जो था स्ट्रांग हम बोल सकते हैं सपोर्ट जोन बना हुआ था। यहाँ से अगर हम फिबोनाची के लेवल्स बनाएंगे जो कि इस साल के हाई लेवल्स थे वहाँ को जोड़ते हुए, तो उससे हमको कुछ लेवल्स निकल के आएंगे। इसको अगर मैं पूरा एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे हमको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप देख सकते हैं ये जो भी निफ्टी की ऊपर की साइड में मूवमेंट आई थी वहाँ से वापस से जो निफ्टी गिरा था एक तरीके से ये यहीं पे आकर के उसने रेजिस्टेंस लिया था जब ये लेवल्स को ब्रेक किए थे, तो ये जो एक तरीके से था इसका फिबोनाची के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहता है जो कि 0.68% और 0.38%, ये जो दो लेवल्स रहते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और अभी जो हम बोल सकते हैं निफ्टी का एक तरीके से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अब अगर हम निफ्टी की सपोर्ट की बात करें तो वही 0.68 फिबोनाची के लेवल्स या रेशो निकल के आते हैं उनकी बात करें तो ये जो लेवल्स हैं लगभग आप देख सकते हैं लगभग 589 या फिर 10,600 जो है एक तरीके से इसके लिए क्रूशियल लेवल निकल के आता है जो कि इसका सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन आपको जैसा कि मैंने पहले दिखाया कि पी रेशो के हिसाब से करंटली निफ्टी जो है ओवरबॉट जोन में आ चुका है, ऐसे लेवल्स पे आ चुका है जहां से निफ्टी में गिरावट आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं यूरोप के अंदर की वहां पे वापस से इलेक्शन होने की संभावना आ रही है, तो उस वजह से निफ्टी में एक और करेक्शन आने की संभावना नज़र आती है जो कि हो सकता है कल के दिन में निफ्टी वापस से नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। अगर निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 10,580 के नीचे की होती है तो आपको और भी ज्यादा नीचे के लेवल देखने को मिल सकते, यानी कि इसके बाद जो अगले लेवल्स रहेंगे वो 10,400 के आसपास के लेवल्स भी आपको देखने के मिल सकते हैं, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी को फर्दर ऊपर के साइड में जाने के लिए या फिर अपने न्यू हाइज बनाने के लिए। निफ्टी को जरूरत रहेगी कि वो अपने 10,825 के ऊपर की क्लोजिंग दे विद पॉजिटिव मोमेंटम जो कि इसमें बनना चाहिए, उसमें जो वॉल्यूम्स है वो एडिशन होने चाहिए। आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि अभी जो है एक्सपायरी का वीक है, अगले 2 दिन में एक्सपायरी भी हो जाएगी तो उसकी वजह से भी निफ्टी में आपको दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस वजह से उम्मीद ऐसी है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है या इस वीक की जो एक्सपायरी है वो 10,600 से लेकर के
10,400 के बीच में होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन के आती है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो करंटली शॉर्ट पोजीशन बनाने का सिचुएशन नजर आता है, लेकिन जो थोड़ा लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं वो निफ्टी के पीई वैल्यू को ध्यान में रखते हुए थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। और जब नई सीरीज शुरू होगी उस समय क्या सिचुएशन है उसको देखने के हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है वो आपके लिए यूजफुल होगी, उसका इस्तेमाल करके आप पैसा कमा पाएंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी और वीडियो से रिलेटेड आपका सवाल है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर आपको बताना चाहूँगा कि जो भी लेवल्स या जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है वो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए दी है, मैं किसी भी प्रकार का सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं आपको सही लगते हैं तो एक बार आप अपनी तरफ से भी थोड़ा रिसर्च करें या फिर अपने ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर से एक बार डिस्कशन करने के बाद ही अपनी कोई भी नई पोजिशन बनाएं।